बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड सेफ एट होम। टुडे वी विल स्टार्ट और लेक्चर नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 9 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एंड द टॉपिक इज़ एवरेजेस। फर्स्टली आई विल टेल यू व्हाट इज़ द एवरेज। एवरेज अ कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स टू कैलकुलेट एड अप ऑल द नंबर्स देन डिवाइडेड बाय हाउ मैनी नंबर्स आर देयर। Here are some examples on your book page number 169. First is averages. First they have given here. Here are the exams result of 3 students of class 5. Ehsan have marks, maths mein uske marks hai 92, English mein hai 74, science mein 68, history mein 22, geo mein 58 and Urdu mein uske 16 hai. Percentage ko hum logon ne count nahi karna. Yahan pe hamare paas ab aage hai Bilal. मैथ्स 75, इंग्लिश 43, साइंस 100, हिस्ट्री 49, जियो 53, उर्दू 64। ताहा मैथ्स 68, जियो इंग्लिश 64, साइंस 72, हिस्ट्री 90, जियो 30 एंड उर्दू 88 मार्क्स। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन स्टूडेंट्स की एहसान के मार्क्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है और बिलाल के मार्क्स की और ताहा के मार्क्स की। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके जो मार्क्स हैं ऑब्टेन मार्क्स जो आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं हम लोग इनका सम करेंगे। 92 प्लस 74 प्लस 68 प्लस 22 प्लस 58 प्लस 16 इनका हम लोग सम अप करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो एहसान के टोटल मार्क्स बनेंगे 330। टोटल के सब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। तो इसी तरह हम लोग बिलाल के मार्क्स लिखेंगे, 75 प्लस 43 प्लस 100 प्लस 49 प्लस 53 प्लस 64। तो ताहा के बिलाल के टोटल स्कोर जो हैं वो कितने हैं, टोटल किया तो उसके बन रहे हैं 384। उसके भी टोटल सब्जेक्ट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 उसके भी टोटल मार्क्स सब्जेक्ट्स जो हैं वो 6 हैं। ताहा के टोटल कितने हैं सब्जेक्ट्स के, 86 प्लस 64 प्लस 72 प्लस 90 प्लस 30 प्लस 88। इन सब वैल्यूज़ का सम अप करेंगे तो टोटल वैल्यू इसका कितना बनेगा, 480। इसको भी डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। तो इनको डिवाइडेड बाय 6 करने से अब हम लोग जब इनको डिवाइड करेंगे तो इनकी एवरेज आ जाएगी। तो यहाँ पे इनकी एवरेज है 55 और बिलाल के स्कोर्स की एवरेज है 64 और इसके ताहा के स्कोर्स की एवरेज है 80। तो यहाँ पे हमारे पास 55, अभी हमारे पास है 55, 64 एंड 80। अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग इसे आइडिया कर लेंगे कि हमारी सबसे ग्रेटेस्ट परसेंटेज या हाईएस्ट एवरेज जो है वो कौन से स्टूडेंट की है, ताहा स्कोर्स की। उसकी हाईएस्ट एवरेज जो है वो 80 है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे एवरेज हेल्प अस मेक द सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा वी सी ऑल अराउंड अस। एवरेज जो होता है बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू होती है ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के सेंटर की वैल्यू होती है। लाइक सपोज कि अगर हम लोगों ने किसी भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे फाइंड आउट करना हो, जैसे हमारे पास अगर एक स्टूडेंट है उसके पास जो है वो 30 रुपीज़ हैं, ठीक हो गया। उसके पास 30 रुपीज़ हैं, उसने वो 30 रुपीज़ अपने 5 डेज़ में खर्च करने हैं, ठीक हो गया। तो हो सकता है कि वो 30 डेज़ में 30 रुपीज़ जो है वो 5 डेज़ में, एक डेज़ में वो 10 रुपीज़ खर्च कर ले, एक डेज़ में वो हो सकता है 5 कर ले, एक डेज़ में हो सकता है वो 6 रुपीज़ कर ले, एक डेज़ में वो 4 रुपीज़ कर ले। इस तरीके से मतलब वो अपने 5 डेज़ में अपने उस 30 रुपीज़ को डिफरेंट कैटेगरीज़ में या मतलब डिफरेंट वेज में उसको खर्च करके 10 में 5 में 4 रुपीज़ में 6 में 2 रुपीज़ में करके उसने वो 30 रुपीज़ 5 डेज़ में कंप्लीट करने हैं। तो उसकी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कि वो पर डे में या मैक्सिमम वो कितना जो है वो एक दिन में खर्च कर सकता है, तो हम लोग उसकी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो हमारा आंसर 30 डिवाइडेड बाय 6 मतलब पर डे में वो अगर 6 रुपीज़ खर्च करता है तो उसके 30 रुपीज़ जो हैं वो 5 डेज़ में पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह आप लोगों की बुक पेज नंबर 69 पे एग्जांपल दी हुई है। अ डॉक्टर मे विश टू नो द हाइट ऑफ चिल्ड्रन
एज 10 ईयर्स. अब डॉक्टर के पास जो है वो डिफरेंट एज के बच्चे आते हैं, लेकिन डॉक्टर चाहता है कि उसे पता चले कि हाइट जो है वो 10 ईयर्स के बच्चों की कितनी होती है. ही कैन डू बाय द मेजरिंग एंड राइटिंग डाउन द हाइट्स ऑफ सम चिल्ड्रन. तो वो क्या करेगा, सम चिल्ड्रंस की जो है वो हाइट राइट डाउन करेगा. नेक्स्ट इज रबिया's हाइट इज 145 सेंटीमीटर, आयशाज हाइट इज 148 सेंटीमीटर, मारियाज हाइट इज 143 सेंटीमीटर, सहर्स हाइट इज 147 सेंटीमीटर, आरिफ हाइट इज 150 सेंटीमीटर. अब डॉक्टर जो है वो फाइंड आउट करना चाहता है कि उसके पास अगर 10 इयर्स के बच्चे, एज के बच्चे आ रहे हैं तो उनकी जो एवरेज एज है, एवरेज हाइट है वो कितनी हो सकती है, कि अगर उसके पास जो है उसके अलावा भी हाइट के स्टूडेंट्स आए तो उसे पता चल जाए कि मैक्सिमम जो है वो 10 इयर्स जो इयर्स के बच्चे होते हैं उनकी कितनी हाइट हो सकती है. अब बुक पेज नंबर 178 पे है, देयर इज़ अ डिफरेंस इन हाइट बिटवीन मारियाज एंड आरफ्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर ऑफ सेम एज. मतलब वो हैं तो सारे, ये सारे बच्चे हैं तो सेम एज के, लेकिन इनकी हाइट में डिफरेंस है. तो वो क्या करेगा, द डाटा इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू द डॉक्टर अनटिल ही वर्क्स आउट द एवरेज. अब जब तक वो इनकी एवरेज फाइंड आउट नहीं कर लेगा तब तक वो क्या नहीं फाइंड आउट कर सकेगा, उनकी मतलब मैक्सिमम जो है वो इस एज के बच्चों की हाइट कितनी होती है. तो एवरेज हाइट फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करेगा, एवरेज हाइट फाइंड आउट करने के लिए एवरेज हाइट इज इक्वल टू होगी टोटल कितनी उसकी हाइट है, टोटल स्टूडेंट्स की, टोटल बच्चों की टोटल हाइट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, कितने उसके पास बच्चे थे, सॉरी जितने उसके पास बच्चे थे, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक हो गया. अब यहाँ पे अगर हम लोगों के पास जो गिवन डाटा था, हमारे पास बच्चों की जो उन्होंने हाइट दी हुई थी, अगर हम लोग उसका सम अप करें, उसको ऐड करें, तो वो हमारे पास बन रही है 733 सेंटीमीटर. तो टोटल बच्चे कितने थे, टोटल हमारे पास बच्चे थे 5. तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे. तो 733 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 146 सेंटीमीटर. तो उसके पास 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं उसकी जो एज, एवरेज एज आ गई वो कितनी है, एवरेज हाइट जो है वो 146.6 सेंटीमीटर उसके पास एवरेज हाइट आ गई. द डॉक्टर गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन डैट द एवरेज हाइट ऑफ चिल्ड्रन एज 10 इज 146.6 सेंटीमीटर. ही कैन देन सी हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर अबव द एवरेज हाइट एंड हाउ मैनी आर बिलो द एवरेज हाइट. यहाँ पे उन्होंने रिमेंबर में दिया हुआ है, टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ सेट क्वांटिटी एड देम टूगेदर एंड देन डिवाइड द टोटल बाय द नंबर्स ऑफ द क्वांटिटी. हम लोगों के पास जो गिवन डाटा होगा, हम लोगों ने उसे क्या करना है, पहले उस गिवन डाटा को प्लस करना है, ऐड कर देना है, और फिर जितना वो डाटा दिया होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज जितनी होगी उसको हम लोगों ने काउंट करके उस पर डिवाइड कर देना है. अभी यहाँ पे जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में है, फाइंड द एवरेज ऑफ 12, 6, 21 एंड 13. ठीक हो गया. तो अब यहाँ पे जो रिमेंबर में उन्होंने बात की है, टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ सेट क्वांटिटीज एड देम टूगेदर, एड देम टूगेदर, 12 प्लस 6 प्लस 21 प्लस 13. नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, देन डिवाइड द टोटल बाय द नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज. नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4. डिवाइड देम द नंबर्स ऑफ द क्वांटिटीज. तो हम लोग एवरेज फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग अपने गिवन डाटा को प्लस करेंगे और जितनी क्वांटिटीज दी होंगी हम लोग उस पर उसको डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइड करके हमारा आंसर, इसको प्लस करके आंसर जो है वो आ रहा है 13. तो इसका मतलब है कि हमारी जो एवरेज क्वांटिटी है वो है 13. Now come on the exercise, fill in the blanks. An average is obtained by adding the quantities together and dividing the sum by numbers of quantities. Average tells about the central value of the data. के हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था, average हमारे पास
वो वैल्यू होती है जो कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के सेंटर वाली वैल्यू जो होती है वो गिवन डाटा की जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो एवरेज होती है. एवरेज ऑफ 7, 9, 10 and 18 इज 7, 9, 10 and 18 की हम लोग एवरेज फाइंड आउट करेंगे. तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, 7 + 9 + 10 + 18 इसको हम लोग ऐड करेंगे, इन वैल्यूज़ को हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा 44. तो टोटल यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटीज़ कितनी है, 1, 2, 3, 4. तो 4 पे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11. तो हमारी एवरेज वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी. नेक्स्ट इज़ द एवरेज ऑफ 1000, 1000 and 1000 इज़. अब यहाँ पे क्योंकि 1000, 1000, 1000 जो है वो हमारे पास सेम दिया हुआ है तो इसलिए इसकी एवरेज भी जो होगी वो सेम ही होगी, 1000 ही होगी. टू फाइंड द एवरेज ऑफ 18, 14, 15 and 17 18, 14, 15 and 17 तो हम लोग इसका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कहा इसे हम लोग एडअप करेंगे, इसको समअप करेंगे तो समअप करके हमारा आंसर आ जाएगा 64. तो उन्होंने आगे खुद ही बता दिया हुआ है वी डिवाइडेड 64 by 4. तो हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. नेक्स्ट इज स्टेट द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स. द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 3. वो कह रहे हैं कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 3. फर्स्ट 5 नंबर्स हमारे पास यहाँ पे कौन से होंगे, फर्स्ट 5 नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5. तो यहाँ पे अगर हम लोग अपने फर्स्ट 5 नंबर्स को ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा आंसर 15. तो टोटल कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 3 आएगा. तो उन्होंने भी यही कहा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 3, देन द स्टेटमेंट इज ट्रू. द एवरेज इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन आर डाटा. एवरेज जो है वो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा होती है, नहीं ये फॉल है क्योंकि इसमें हमारे पास एवरेज ऑफ द डाटा वो वाली वैल्यू होती है जो सेंट्रल वैल्यूज होती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के सेंट्रल वाली वैल्यू को हम लोग एवरेज कहते हैं. टू फाइंड द एवरेज वी डिवाइड द सम ऑफ डाटा बाय द नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज. एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने गिवन डाटा को प्लस करते हैं, उसके बाद जितने भी क्वांटिटीज दी होती हैं, नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज होती हैं, उस पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, देन द स्टेटमेंट इज ट्रू. द एवरेज ऑफ 2.4, 4.5 and 6.5 is not 4.5. हम लोगों ने 2.5, 4.5 और 6.5 को ऐड किया तो वो क्या कह रहे हैं, इसकी एवरेज जो है वो 4.5 नहीं है. आप लोगों ने इसे सॉल्व करके खुद चेक करना है, इसकी एवरेज जो है वो 4.5 ही आएगी. तो ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा है इज़ नॉट 4.5, तो डैट इज़ द फॉल. इफ द सम ऑफ द हाइट ऑफ 20 गर्ल्स इज 2640 centimeter, देयर एवरेज हाइट विल बी 132 centimeter. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, 2640. तो इसको वो क्या कह रहे हैं, देयर एवरेज हाइट विल बी 132. गर्ल्स टोटल कितनी हैं, 20 हैं. तो हम लोग जब इसको करेंगे, ये 0 से हो गया, 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2, 2 ज़ा 4. तो हमारे पास आंसर आया है, एवरेज आई है 132. तो आंसर क्या है, ट्रू है, 132 ही सेंटीमीटर उसकी एवरेज है. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3 ऑन बुक पेज नंबर 171. द एवरेज ऑफ 10, 20 एंड 30 इज. द एवरेज ऑफ 10, 20 एंड 30 इज. इसका एवरेज फाइंड आउट करना है आप लोगों ने 10, 20 और 30 का. 10 + 20 + 30. तो हम लोग इस वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60. टोटल क्वांटिटीज कितनी है, 3. तो हमारे पास ये एवरेज आ गई 20. तो द करेक्ट आंसर इज 20.
टू फाइंड द एवरेज ऑफ 2.5, 3.5 एंड 5.5. एवरेज ऑफ 2.5 प्लस 3.5 प्लस 4.5 प्लस 5.5, तो इसका हम लोग सम अप करेंगे, इसको सम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16. टोटल क्वांटिटीज कितनी है, 1, 2, 3 एंड 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, 4 4 16. तो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, 4 है. इफ ईच ऑफ द 5 लॉग्स इज 5 मीटर लॉन्ग देन द एवरेज लेंथ इज 5 मीटर लॉग्स. अगर हमारे पास 5 लॉग्स दिए हुए हैं, एक लॉग जो है वो 5 मीटर लॉन्ग है, तो हम लोग उसको 5 टाइम्स लिखेंगे. 5 लॉग्स उन्होंने बोला, 1 लॉग की जो वैल्यू है वो 1 है हमारे पास 5 मीटर. तो जब हम लोग इसको सम अप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25. टोटल वैल्यूज 1, 2, 3, 4 एंड 5 है. तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी. तो 5 मीटर जो है उसका आंसर है. टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज आर एडिट मल्टीप्लाइड सब्ट्रैक्ट डिवाइड. अभी यहाँ पे आपने देखा कि एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने अपनी वैल्यूज को क्या किया, ऐड किया है. ठीक हो गया. तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है, द एवरेज ऑफ अ डाटा विल बी द हाईएस्ट वैल्यू, द लोएस्ट वैल्यू, द मीन वैल्यू, द ओल्ड वैल्यू. मीन वैल्यू आएगी हमारे पास क्योंकि हमारे पास जो एवरेज होती है वो गिवन डाटा की सेंट्रल वैल्यू होती है. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की सेंट्रल वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, वर्कआउट द एवरेज ऑफ दीज सेट्स. यहाँ पे मैं इसके एक दो पार्ट सॉल्व कर दूंगी और बाकी आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए दिया हुआ है, 14, 27, 5, 19, 10. तो अब हम लोग इनकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे. तो इसकी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सम अप कर देंगे. तो टोटल इसकी हमारे पास क्वांटिटीज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे. तो इसको सम अप करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, 75 डिवाइडेड बाय 5. तो इसको 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15. तो हमारे पास यहाँ पे इस गिवन डाटा की जो एवरेज वैल्यू आई है वो है 15 आई है. गिवन वैल्यू जो हमारे पास दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है उसकी एवरेज आई है 15. नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट, 8 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. सी पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ, बी पार्ट आप लोगों ने खुद अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है. सी पार्ट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. तो इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है. एवरेज हमारे पास होगी इसकी 8 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 32 प्लस 10. तो हमारे पास टोटल हमारे पास क्वांटिटीज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5. तो हमारे पास टोटल क्वांटिटीज 5 आ गई. तो इसका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका सम अप करेंगे. इन सब का सम अप किया तो हमारे पास ये आया 90 सेंटीमीटर. तो 90 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 18 सेंटीमीटर. तो एवरेज वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे नीचे आ गया आप लोगों का, बिलो आर द वेट्स रिकॉर्डेड फॉर 4-10 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, वर्क आउट द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन. यहाँ पे उन्होंने नेम्स दिए हुए हैं और वेट दिए हुए हैं. आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह हम लोगों ने इनका यहाँ पे हम लोगों ने इनको ऐड किया है, इन वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे भी हमारे पास इसी डाटा को हम लोग ऐड करेंगे. ऐड करके जो आंसर आएगा, टोटल क्वांटिटीज़ हमारे पास कितनी है, 4 है. तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास चिल्ड्रन की वेट जो है वो एवरेज वेट आ जाएगा. तो उम्मीद और
एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एवरेज हमारे पास वो वाली वैल्यूज़ होती हैं टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ क्वांटिटीज़। के एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन डाटा होता है उसको ऐड करते हैं, देन हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारी एवरेज वैल्यू होती है। एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या होती है, गिवन डाटा की सेंट्रल वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू के, सेंट्रल वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है। ठीक हो गया, उम्मीद है कि बच्चों आपको इसकी समझ लग गई होगी। जज़ाकअल्लाह।